60 आएगी, 60 की एक्टिवा के बराबर। अच्छा, में आएगी आपकी 85 के बराबर। वॉर मोड 2 केटीएम 280 से आती है, 9 सेकंड में 90 जाते हैं, सीमी भी 9 सेकंड में जाएगा 69। अभी स्पोर्ट्स में 62 है, पर हर एक चीज बताता रहता है आपको। अच्छा ठीक है, इसकी साउंड की सेटिंग होगी, वॉल्यूम कम ज्यादा की। इसमें स्पीकर भी है ना? इसमें डबल स्पीकर्स हैं। और हेलो एवरीवन, आप सबसे मेरा प्यार भरा प्रणाम, मैं जल आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से करीब। आज सुबह से देहरादून में बारिश हो रही है, आज सुबह से क्या कल रात से ही बारिश हो रही है लगातार। और इस टाइम पे हमें गांधी पार्क के सामने पे यहाँ पे पीछे बफेट पे आए हैं, राजपुर रोड जा रहे थे कुछ काम से, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे बफेट में बाइक में आए हुए आज, तो यहाँ पे रुकने का ज़्यादा चोचले नहीं होते, गाड़ी में पार्किंग की दिक्कत रहती है, तो बाइक में आया तो हमने कहा चलो बफेट रुकते हुए चलते हैं। काफ़ी दिन से बफेट नहीं आए थे, अभी जाम जूम नहीं हो रहा था, और अभी देखो थोड़ी देर में जाम जूम होने लग गया पीछे। उसके बाद चलते हैं, RTO में काम है। और आज बिज्जू भाई आया बहुत टाइम बाद पहाड़ों से उतर के, क्या कर रहा फिर पहाड़ों का टूर? पहाड़ों में तो बर्फ़ पड़ रही है, ओली ओली ऊपर पहाड़ों में तो मस्त बर्फ़ पड़ रही, बारिश पूरी जब देहरादून में बारिश हो रही तो वहाँ तो बर्फ़ बर्फ़ पड़नी है। तो अब तो फिर यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है, तो यात्रा की क्या तैयारी है फिर? तैयारी धीरे 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 राउंड तो लगी रहे वैसे भी बिना यात्रा के भी पहाड़ों में, तो अब देखते हैं। बाकी यात्रा में अगर किसी को भी चार धाम वगैरह करना हो और कहीं भी जाना हो तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा विजय भाई का, और गूगल में भी सर्च कर सकते हो विजय टैक्सी सर्विस के नाम से, तो सीधे कॉल करना इनको कॉल। और बाकी जो भी रेट पूछने होंगे ना यात्रा के सारे बता देंगे ये, तो चार धाम यात्रा के और कहीं भी जाना होगा उत्तराखंड बाहर कहीं भी ट्रैवल वगैरह करना होगा तो इनको कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं दोनों वेबसाइट के लिंक दे दूंगा नीचे। बफेट में आए हैं, बफेट में बर्गर वगैरह बन रहे हैं अभी, देखो फटाफट एकदम। यहाँ पे अक्षय कुमार की वीडियो भी वायरल हुई थी, जैसे किसी ने देखा होगा जब अक्षय कुमार की मूवी की शूटिंग चल रही थी तो अक्षय कुमार यहीं पीछे से रोड क्रॉस करके जा रहा था गांधी पार्क की साइड, तो काफ़ी वायरल हुई थी वो वाली। तो भाई हम निकल चुके हैं अब वहाँ से, और इस टाइम 2 बजे का टाइम हो चुका है, स्कूल की छुट्टियों का टाइम हो गया, तो जाम जूम भी काफ़ी लग रहा है। अच्छा हम 2 व्हीलर में आए हुए, वरना कार में रहते तो बहुत ज़्यादा फंस जाते, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का टाइम है और यहाँ पे सेंट जोसेफ वगैरह की छुट्टी होती है। राजपुर रोड पे 3-4 स्कूल है लाइन पे, तो इस वजह से जाम जूम काफ़ी हो जाता है। तो रहा है क्योंकि सुबह से बारिश थी, तो जिस दिन सुबह से बारिश होती है तो सब लोग 2 व्हीलर बहुत कम निकालते हैं, सब लोग 4 व्हीलर में ही जाते हैं इधर उधर। आए थे और अभी यहाँ पे लंच चल रहा है 2 से 3, और पीछे यहाँ पे आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वो भी लग रखा है शोकेस वगैरह, क्या बोलता हूँ उसे, जो भी बोलता हूँ, सारी इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मेला लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सारी टाटा की है कारें, टियागो और नेक्सॉन, और बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी है बहुत सारी, और एक का ये भी लगा हुआ है एम्पायर करके, एथर वगैरह का भी है पीछे, एथर ओला और 3-4 कंपनियाँ, और यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रिक का है आगे पे। हमने भी एक ओला की गाड़ी बुक करा दी है ओला, हम उसमें चलाएंगे ओला ऊबर चलाएंगे उसमें, हाँ। वो चलाएंगे उसमें एथर। अभी हाँ। तो लंच चल रहा है, उसके बाद आते हैं 3 बजे तक, बहुत सारी कंपनियों के लगे हुए हैं यहाँ पे। ये भी तो है MAO इलेक्ट्रिक बाइक, इधर बाइक MAO इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह का है। यहाँ पे बारिश होने लग गई भाई फिर से, कल रात से आफत हो रखी, हम तो आ गए बाहर और बारिश भी होने लग गई है, अब लग रहा है कि बेकार है बाइक में, कार लेके आनी चाहिए थी। देते हैं, देखिए इसका इंटरसेप्टर है और इसमें सीट कवर है महिंद्रा के, आप देख सकते हैं। गाड़ी सरकारी है ना, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, टोयोटा की गाड़ी में महिंद्रा के कवर। बाकी तो छूते हैं, बारिश फिर से होने लग गई है बहुत, पहले तो बोलते बारिश हो जाए और अब बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि बारिश ने परेशान कर दिया, अब लग रहा है गाड़ी लेके आना चाहिए था, क्योंकि देखेंगे हम राजपुर रोड का तो कोई पता भी नहीं होता है राजपुर रोड में कब बारिश हो जाए। RTO फिर से होने लग गई राजपुर रोड में बारिश, चलते हैं 4 नंबर में और वहाँ से लाते हैं RC कार्ड वाली। तो हम RTO में आए अंदर, और यहाँ पे देखो मेरे पीछे दावत चल रही, इधर दावत दुआ चल रही आज, यहाँ 2 स्कूटियाँ खड़ी कर रखी है इधर की, बैटरी है 40, बढ़िया इसके लोकेशन वगैरह भी मस्त दिखा रहा है, करंट राइड 0 है इसकी, 59%, हाँ ब्लूटूथ वगैरह है, टावर बढ़िया आ रहे हैं इसमें, बढ़िया वाला प्रमोशन चल रहा है यात्रा का। कितनी है टोटल? 105 किलोमीटर टोटल, 105 किलोमीटर
ये वॉक मोड पे, अभी ये मोड चेंज करोगे जैसे इको मोड दिखा रहा है 59 किलोमीटर से चलेगी, 60 आएगी 60 की एक्टिवा के बराबर। अच्छा, में आएगी आपकी 150 के बराबर। वॉक मोड 200 KTM 280 से आती है, 9 सेकंड में 90 जाते हैं, सिमी भी 9 सेकंड में, तो दोनों का पावर पिकअप सेम है। बाकी इसमें TPMS वगैरह लगा लो तो टायर प्रेशर वगैरह सब दिखा रहा है। बल्ट का पहला स्कूटर जो गूगल वर्क मैप दे रहा है, किसी में नहीं आता ये। अच्छा जी, इसका प्राइस क्या है? ये 1,75,000। और रेंज कितनी बताई आपने? रेंज 105 किलोमीटर ट्रू रेंज है एक्चुअल। अच्छा एक्चुअल है जो कंपनी 140 बोलती है, 110 से कम कस्टमर आराम से चला लेते हैं। अच्छा अच्छा, बैटरी की वारंटी भी 5 साल साढ़े दे रहे हैं, 5 साल तक पूरी वारंटी रहेगी, 70% चाहिए देते हैं। इसको इसको सही है, इसका कितने चार्जर कितने उसका आता है? चार्जर ज़्यादा नहीं है, 4 घंटे में चार्ज कर देता है। तो भाई यहाँ पे एथर का रिव्यू वगैरह भैया ने सारी जानकारी दी है, बाकी यहाँ पे और भी सारी स्कूटी वगैरह लग रखी हैं, चेतक वगैरह और भी 3-4 कंपनियाँ हैं। पेट्रोलियम के बच्चों ने बना के फीचर्स वगैरह यहाँ पे, ऐसी वाली इलेक्ट्रिक है, और वहाँ पे है ई रिक्शा, उधर की साइड पे भी है एक, और यहाँ पे है टाटा की नेक्सॉन, और इधर टाटा की टियागो है, ओला वाली, ओला की स्कूटी, हेडलाइट बढ़िया है ओला की। ओला वगैरह में कितनी रेंज वगैरह है? परसेंटेज प्लस किलोमीटर 69। कितनी रेंज है इसमें? इसमें भी ये 181 जाती है, ठीक है। अभी 49% चार्ज है, 4 मोड आते हैं आपका, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, हाइपर। मोड में जाएगा 69, अभी स्पोर्ट्स में 62, हाइपर में 62, हर एक चीज़ बताता रहता है आपको। अच्छा ठीक है, इसकी साउंड की सेटिंग होगी, वॉल्यूम कम जा रहा है। इसमें स्पीकर भी है ना? इसमें डबल स्पीकर है। अच्छा। और स्पीकर भी वाटर प्रूफ है, और पूरा स्कूटर वाटर प्रूफ है। इसमें वेकेशन मोड आता है, खुला कहीं गए तो वाटर प्रूफ जैसे होता है कार में, होता है 81 किलोमीटर। अच्छा, और चार्जिंग टाइम 181 चलेगी चलेगी, मतलब इको मोड, इको मोड में क्या हो? प्लस इसमें एक चीज़ और अच्छी फीचर है, रीजनरेट करती बैटरी है। अच्छा री, हाँ हाँ हाँ, आपको ब्रेक में मारना, इसलिए तो अल्टरनेट घुमाना, तो रीजनरेट करती है। साउंड के लिए प्ले पॉज का रेंज, ये लॉक अनलॉक का, लॉन्ग प्रेस से लॉक होती है। अच्छा, ये रिवर्स है, प्लस अगर आप ड्राइव कर रहे हो आप, ये क्रूज कंट्रोल का भी काम करता है, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, ये प्लस आपको इसमें 36 लीटर का बूस्ट। अच्छा, 6 hours है, 0 to 100। अच्छा, कैसा कुछ है, इंडिकेटर वगैरह, म्यूजिक सिस्टम सिद्धू मूसेवाला लगा, देखो इसके साउंड सिस्टम वगैरह, कॉपीराइट भी आ जाएगा इसमें तो, और मोबाइल चार्जिंग का भी है इसमें, सॉकेट वगैरह। तो भाई दो स्कूटियों का तो रिव्यू दे दिया है, एक ओला का और एथर का। मुझे ओला ज़्यादा बेटर, एथर की 105 की रेंज है, और ओला की कितनी बताई उन्होंने, 188, तो 180 मतलब इको मोड में आराम से दे देगी, बाकी रैप मोड वगैरह है तो उसमें कम ज़्यादा होती रहती है रेंज। तो ऐसा कुछ था ओला और एथर का रिव्यू। सब तो धूप भी आ गई भाई, वैसे भी बहुत भीग गए थे हम दिन में, काम तो निपट गया, RC भी ले लिया RTO से।